जुलाई देख रहे हैं आप। बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश इलाके में एक पखवाड़े में से भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। पटना तथा कई जिलों में लोग सुबह से ही दोपहर का एहसास कर रहे हैं। इसी बीच पटना जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 24 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश में कहा कि अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। गर्मी को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। राज्य के 9 शहरों में शुक्रवार को गर्मी की लहर के हालात रहे। सुबह में ही पारा 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। शुक्रवार को शेखपुरा का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस, खगड़िया का 43.9 डिग्री, पटना का 43.6 डिग्री, बांका का 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में शनिवार को भीषण लू की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 शहरों के लिए रात में दोपहर 6 बजे का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने खुले में होने वाली गतिविधियों को रोकने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1-2 दिनों में राहत की उम्मीद नहीं है। जी हाँ, चलो अब जो है वो 24 जून के बाद तय होगा कि स्कूल बंद रहेंगे या खुले। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इस आदेश को कोई भी विद्यालय के प्राचार्य अगर अवलेहन करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आदेश में ये भी चर्चा है कि 24 जून के बाद पुनः इस पर मंथन एवं विचार करने के बाद अगला आदेश पर पारित किया जाएगा। इस आदेश की कॉपी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में प्रकाशित की गई है ताकि विद्यालयों को इसके लिए किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं बनी रहे। खैर, रिपोर्ट यही था। फिर से एक रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।